आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जी न्यूज के सत्याग्रह का तीसरा दिन है और आज का अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। दूसरा अपडेट यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू अंडरग्राउंड हो गए हैं और पूरा देश जी न्यूज के साथ आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि अब पूरे देश में इस बारे में बहस हो रही है। पूरे देश में यह बहस चल रही है कि जो पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है, ऐसे तमाम लोगों का खुलकर साथ देती है, जो अभिव्यक्ति की आजादी को इतना बड़ा मुद्दा बनाते हैं, वही पार्टी सच सुनकर इतना परेशान क्यों हो गई। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था और उस दौरान जब यह नारा लगा तब नवजोत सिंह सिद्धू का भाषण चल रहा था और यह सच जी न्यूज ने ही आप सबको सबसे पहले दिखाया था। अपनी ही रैली का यह वीडियो देखकर कांग्रेस पार्टी परेशान हो गई और फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने जी न्यूज को नानी याद दिलाने की धमकी दी। लेकिन इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जी न्यूज अपनी खबर पर आज भी कायम है और हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस मामले में सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करना चाहिए, नहीं तो ये एक ऐसी परंपरा बन जाएगी कि जब भी कोई मीडिया हाउस, कोई न्यूज चैनल कोई ऐसी खबर दिखाएगा जो किसी पार्टी को चुभती है, किसी नेता को चुभती है, तो फिर ये सारे लोग यही परंपरा शुरू करेंगे कि जो खबर चुभे उसे फेक न्यूज कह दें और उस टेप को डॉक्टर टेप कह दें। इसलिए ये परंपरा को यही रोकने के लिए जी न्यूज इस मुहिम को चला रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुप है। एक सच्ची खबर को झूठ बताकर, एक सच्चे वीडियो को झूठा बताकर सोशल मीडिया पर जी न्यूज को ट्रोल करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जुबान पर ऐसा लगता है अब अलीगढ़ के बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं और इस बीच इस मुहिम में अब पूरा देश हमारे साथ आ गया है। आज हम कांग्रेस की इस चुप्पी का विश्लेषण करेंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बिना होमवर्क किए झूठे आरोप कैसे लगाते हैं और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि झूठा आरोप लगाने के बाद देश में उनसे कोई सवाल नहीं करेगा तो ये गलत परंपरा होगी। इसी परंपरा को यहीं रोकने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। ये एक तरह से हिट एंड रन वाली राजनीति है जिसमें पहले आरोप लगाकर मुद्दा बनाया जाता है और जब आरोप झूठे निकलते हैं तो फिर चुप्पी साध ली जाती है, यानी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। आपने देखा होगा अक्सर हमारे देश में निष्पक्षता की बात होती है, मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए यह कहा जाता है, लेकिन असल में पार्टियों को भी, नेताओं को भी, राजनीतिक दलों को भी निष्पक्ष होना पड़ेगा और अगर पार्टियां निष्पक्ष नहीं होंगी तो फिर जब वो सरकार में आएंगी तो सरकारें कैसे निष्पक्ष होंगी। आज की खबर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू के वोकल कॉर्ड में जख्म हो गए हैं और अब उनकी आवाज निकलनी बंद हो गई है। यह जानकारी खुद नवजोत सिद्धू की तरफ से एक प्रेस रिलीज के जरिए दी गई है। इसमें लिखा है कि 17 दिनों के चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू ने 70 से ज्यादा सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया जिसकी वजह से उनके वोकल कॉर्ड में जख्म हो गए हैं और उन्हें बोलने में परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने कहा है कि ऐसे हालात में नवजोत सिद्धू की आवाज हमेशा के लिए जा सकती है, ऐसे में उन्हें कुछ दिनों के आराम की सख्त जरूरत है। इस प्रेस रिलीज में लिखा है कि 3 से 5 दिनों के आराम की सख्त जरूरत है। लगातार हवाई यात्रा करने की वजह से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। सिद्धू के कई ब्लड टेस्ट भी हुए हैं ऐसा इसमें लिखा है और अब वो अपनी जांच और रिकवरी के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं, इसका मतलब उनसे अब कोई संपर्क नहीं हो सकता। नवजोत सिद्धू से हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन इसके बावजूद हम उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और हम कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। इससे आगे हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी आवाज पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है, इसलिए उनकी आवाज का लौटना बहुत आवश्यक है क्योंकि अब तो डॉक्टरों ने ही सिद्धू को आराम करने और कम बोलने की सलाह दे दी है। वैसे अगर सिद्धू कम बोलते तो ये विवाद शुरू ही नहीं होता। फिलहाल सिद्धू तो चुप हैं लेकिन उनके बयान भारत से लेकर पाकिस्तान तक लगातार गूंज रहे हैं। अब हम आपको नवजोत सिद्धू का वो बयान एक बार फिर से सुनाना चाहते हैं जिसमें वो जी न्यूज को खुली धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जी न्यूज की नानी याद दिला देंगे। जी टीवी को माफी मांगनी चाहिए और अगर माफी नहीं मांगी, क्योंकि मेरे पास ये पूरा प्रूफ है और ये पूरी एक एक चीज लिखत है, अगर नहीं तो मैं पार्टी वालों से भी बात करूंगा और खुद भी,
ऐसी डेफामेशन ठोकूंगा ना नहीं याद आ जाएगी। सिद्धू कांग्रेस के मंच पर बैठकर ये बात कह रहे हैं कि ऐसा डेफेमेशन ठोकेंगे कि नानी याद आ जाएगी। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास पूरे सबूत हैं। तो इसलिए आज आप सबके सामने हम कांग्रेस पार्टी से ये अपील करेंगे कि वो सबूत पेश करें जिससे ये साबित होता है कि वो वीडियो झूठ था, वो वीडियो सही नहीं था। वो सबूत कहाँ है हम ये जानना चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि सिद्धू को ये मंच, इस मंच का प्रयोग करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कैसे इजाजत दी। इसका मतलब यह है कि जो भी सिद्धू ने कहा है यह भाषा सिद्धू की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की है, और किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की असभ्य भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी बताती है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बताती है, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए हमेशा वो सबसे आगे खड़े रहते हैं, लेकिन उनके मंच पर इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल होता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मीडिया हाउस ने एक ऐसी खबर दिखा दी जो उनको चुभ गई, जिससे उन्हें चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो देखिए कैसी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसलिए ये कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो कांग्रेस का नेतृत्व है, उस पर भी बड़े सवाल उठते हैं। देश के पूरे मीडिया को मिलकर इस तरह की भाषा का विरोध करना ही होगा, क्योंकि आज जी न्यूज के लिए ऐसा कहा जा रहा है, कल किसी और मीडिया हाउस के लिए कहा जाएगा। इसलिए देश के सारे पत्रकारों को और मीडिया को इसका खुलकर विरोध करना ही होगा, नहीं तो ये एक परंपरा बन जाएगी। हम लोकतंत्र के हर संस्थान के जरिए राजनीति की इस दूषित परंपरा को बदलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, और ऐसी धमकियों का जी न्यूज़ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और इन्हीं धमकियों पर जी न्यूज़ ने कांग्रेस पार्टी और नवजोत सिंह सिद्धू से खेद प्रकट करने के लिए कहा है। आज तीसरा दिन है, हम लगातार एक के बाद एक सबूत पेश करते जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक दिन आपके सामने आकर उन्हें बताते जा रहे हैं। वैसे आज हमने इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग में जाकर की है, और चुनाव आयोग से भी कहा है कि चुनाव आयोग इस तरह की भाषा का इसका संज्ञान ले और सिद्धू के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ कदम उठाए। चुनाव आयोग के अलावा हमने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन में भी अपनी शिकायत दर्ज की है। मेरे पास इन दोनों शिकायतों की कॉपी मौजूद है। इनमें भी हमने यही कहा है कि इस परंपरा को तुरंत रोकना होगा, और इस परंपरा को रोकने के लिए जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में मौजूद है हम वहां पर जाएंगे, और अगर यहां से भी न्याय नहीं मिला तो फिर हम अदालत में भी जाएंगे। वो विकल्प भी हमने खुला रखा है। वैसे ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया था, आज देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस को उसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस तरह सत्याग्रह करना पड़ रहा है, उन्हें सत्य की याद दिलानी पड़ रही है। वैसे हमारी इस मुहिम में पूरा देश अब जी मीडिया के साथ आ गया है, और पूरे देश की एक ही आवाज है कि कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने आप को देश की पार्टी अगर मानती है, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी मानती है, आम लोगों की पार्टी मानती है, तो कांग्रेस पार्टी को आम लोगों की आवाज भी आज सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि जनता उनसे क्या चाहती है। इंडिया में पाकिस्तान का नारा लगाया जाएगा, गलत है ये। ये तो बोलेंगे आप जो किए हैं गलत किए हैं, अभी कोई पोस्ट में रह करके पोस्ट को बदनाम किए हैं आप। हिंदुस्तान के अंदर में चाहे आज से 70 साल के बाद में हमारा देश के अंदर में इस तरह से बयानबाजी होना, ये हिंदुस्तान के लिए खतिकारक है। उस पर वो आरोप लगाएगा, उस पर वो आरोप लगेगा, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता है। लेकिन एक आम नागरिक कोई कुछ गलती करे या ना करे, उस पर तुरंत कार्रवाई होता है, 2 मिनट में अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इस तरह के लोग जब देश विरोधी नारा लगाते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। सिद्धू मिलता है खालिस्तानियों के साथ, सिद्धू मिलता है उधर जाकर हाफिज सईद के लेफ्टिनेंट्स के साथ, और ये लोग आज खाली यहाँ हिंदुस्तान में सिविल वॉर की सिचुएशन लाना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ही कांग्रेस का जो पीएम कैंडिडेट है उस पर मोहर लगाई जाती है, जो पाकिस्तान वहाँ उनको कहे कांग्रेस वही करती है। मैं राहुल गांधी साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आज वो खामोश क्यों हैं? मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, आज वो खामोश क्यों हैं? अगर वो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा देश है तो उनकी रैली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगे? एकदम, मैं तो बोलता हूँ ना, थर्ड क्लास आदमी है, जो थाली में खाए उसे निश्चित किया, उसको पंजाब का मिनिस्टर का हटाना चाहिए। ये तो देश में रहकर और देश को दीमक लग जाए, दीवाल को दीमक लग जाए, ऐसे हमारे देश में दीमक के तरह देखे जाएंगे। भारत देश के अंदर अगर
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और वो व्यक्ति जो कि भारत के लिए खेल के आता है उसकी मौजूदगी में अगर नारे लगते हैं जिसके लिए देश भारत माता की जय के नारे लगाता था उस देश के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू जिसका पूरा हिंदुस्तान फैन है जिसका मैच देखने जाता था उसकी मौजूदगी के अंदर क्या इतना बिकाऊ हो गए लोग कांग्रेस वाले लोग। देश विरोधी कोई कृत्य करता है तो उसे न मीडिया माफ़ करने वाला है न इस देश की जनता माफ़ करने वाली है। आज तक कोई ऐसी खबर हमने देखी नहीं है जो जी मीडिया ने कोई गलत खबर चलाई हो। और रही बात कांग्रेस की तो कांग्रेस का काम है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा वो उठा के रखते हैं कोई ना कोई वो क्ल्यू बना के रखते हैं कि लोगों की नज़रों में हम बने रहें और हमें वोट मिले। वोट इस तरह से नहीं मिलेंगे। मीडिया जो है वो सच मेरा मतलब सच्चाई सामने लाता है और उनको धमकी दे रहे हैं ये लोग। मैं तो कहता हूँ कि जो जो सिद्धू जी हैं इनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। सिद्धू जी उस टाइम पे उसका विरोध करते और एक्शन लेते। सिद्धू जी ने कोई विरोध नहीं किया कोई एक्शन नहीं लिया और वो स्माइल दे रहे थे यानी ये टोटली गलत है कि उनका समर्थन इसके रिलेटेड है ही। पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान में ही उनका हृदय है ऐसा लगता है मेरे को। अलवर में जो बात हुई वो भी एकदम कंडेम करना चाहिए क्योंकि पहले जेएनयू में ऐसे सूत्रोच्चार हुआ था यहाँ अलवर में हुआ बिल्कुल एक गद्दारी है देश के साथ। मीडिया को टारगेट करना सही नहीं है सही बात नहीं है। जिंदाबाद करेंगे पाकिस्तान हम तो उनका ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं वो तो मीडिया का काम है। अगर मीडिया के ऊपर क्या होगा मीडिया के ऊपर कुछ मीडिया को डरा के क्या करना चाहते हैं। 100% राहुल गांधी का एक्शन लेना चाहिए वो पार्टी बड़ा पार्टी है सारे कंट्री का है और वो एक अकेला नवजोत सिंधु का नहीं है। इतना बड़ा रैली में कोई एंटी नेशनल की स्लोगन लिया तो मंच के ऊपर जो बैठता है ना लीडर्स उसका जिम्मेदार रहता है वो बंद करने के लिए। जो आदमी महीने में दो बार पाकिस्तान जाके आया अब हमें तो ये लगता है मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे लगता है ये शायद पाकिस्तान के एजेंट की तरह कोई काम कर रहे हैं। अध्यक्ष के नाते राहुल गांधी जी को आके माफ़ी मांगना चाहिए मीडिया के सामने आके और पब्लिक से माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि शुरू से झूठ बोलने की आदत है आगे भी इस तरह की रहेगी तो पब्लिक उनको नहीं छोड़ेगी। दल बदलू है ही ये पहले से ही इनको सबको मालूम है इनका कोई भरोसा नहीं कर सकते। सिद्धू जी भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है और ये मैं बता दूं कि इनकी उल्टी गिनती शुरू इस स्टेटमेंट के बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ये माफ़ी मांगे चाहे ना मांगे ये जो इनका जो DNA है ना वो बाहर आ चुका है। बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी जो कहीं ना कहीं देश में 55 सालों तक राज किया है वो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जी को तत्काल इस मुद्दे पर अपना बयान देना चाहिए और देश हित के लिए कोई विचार करना चाहिए। सिद्धू जी को खुद ही रुकना चाहिए था उन्होंने क्यों नहीं उस बंदे को डांटा या बोला क्योंकि आपका सवा है आप हिंदुस्तान में हैं वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है तो ये तो शर्म की बात है। फेसबुक पे ऑनलाइन पे अगर आप करते हो लाइव पे तो उस पे मोबाइल पे कम से कम आप उसमें कुछ दाएं बाएं नहीं कर पाते हो तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उसमें कुछ है नहीं। और बड़ा क्लियर सा चीज़ था कि उन्होंने बार बार उसमें रिटेक होकर के दिखाया जा रहा था कि नहीं उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे तो ये बात सही थी। सिद्धू है कि बार बार पाकिस्तान ही जाता उसको प्यार हो गया पाकिस्तान से प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहा है उसको इमरान खान तो ये उसको तो सीधे पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए। मीडिया को धमकाना कोई सोल्यूशन नहीं है मीडिया तो वही दिखा रहा है जो एक्चुअल में वहाँ पे हुआ है और उसमें कोई डॉक्टर्ड वीडियो वाला तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि इतने सारे वीडियोज आ चुके हैं उसके तो उसमें डॉक्टर वीडियो का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं एराइज हो रहा है। धमकी तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए बल्कि उनको एक स्टेप आगे बढ़ करके खुद ही उनको प्रपोज करना चाहिए कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए उनकी पहचान होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी अगर अपने आप को लोगों की पार्टी कहती है और कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि वो लोकतांत्रिक पार्टी है लोकतांत्रिक मतलब लोगों का तंत्र तो उसे देश के लोगों का मूड आज जांचना चाहिए देखना चाहिए उसे समझना चाहिए कि देश के लोग क्या कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं और देश का मूड इस मुद्दे पर क्या है। यहां पर आपने ये भी देखा होगा हम इतने सारे शहरों में गए अलग अलग राज्यों के शहर हैं वहां पर अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं लेकिन लोग एक ही बात कह रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि नवजोत सिद्धू ऐसा अपने दम पर कह ही नहीं सकते। लोग सवाल ये उठा रहे हैं और हमारे मन में भी ये सवाल है कि नवजोत सिद्धू का कप्तान है कौन किसकी टीम में वो खेल रहे हैं और किसके इशारों पर ऐसे बयान दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कई बार तो लगता है कि शायद इमरान खान उनके कप्तान हैं लेकिन वो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि उनके कप्तान हैं राहुल गांधी। पहले ये बयान सुनिए। अरे मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं उन्होंने तो भेजा है हर जगह। क्या बात कर रहे हो यार कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार है ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की वो तो आर्मी के कैप्टन है भाई
मेरा कैप्टन राहुल गांधी साहब है, समझे, और उनके भी कैप्टन राहुल गांधी साहब है, हमारे कैप्टन वो है, कैप्टन साहब के कैप्टन राहुल गांधी, मेरे कैप्टन राहुल गांधी, और इस पार्टी में 50-100 सीनियर लीडर हैं, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, हरीश रावत जी, सुरजेवाला साहब, शशि थरूर साहब, राहुल जी, सब। अब कैप्टन साहब की, वो मेरे पिता समान है, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे बॉस है भाई। तो नवजोत सिंह सिद्धू खुद ही कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। तीन बड़ी बातें वो ये कह रहे हैं। पहली बात, पाकिस्तान उन्हें उनके कप्तान राहुल गांधी ने भेजा। वो कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान राहुल गांधी ने भेजा था, यानी उनके आदेश पर पाकिस्तान गए थे। दूसरी बात, कह रहे हैं मेरे कप्तान हैं राहुल गांधी। और तीसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कम से कम 100 बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने नवजोत सिद्धू की पीठ थपथपाई है। किस बात को लेकर पीठ थपथपाई है? जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान में कहा और किया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाया, इमरान खान के तारीफ में कसीदे पढ़े, ये कहा कि इमरान खान ने जब ये कहा कि सिद्धू को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए, वो सारी बातें, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के नेताओं ने कहीं ना कहीं सिद्धू को पाकिस्तान जाकर ये सब करने के लिए आदेश दिया होगा। और वो कह भी रहे हैं कि मेरी पीठ उन्होंने थपथपाई है। इसलिए अब सवाल है कांग्रेस के नेतृत्व पर, कांग्रेस का नेतृत्व किस तरफ जाना चाहता है, पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता है या भारत की तरफ जाना चाहता है। भारत के लोग इस मामले पर खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, आपने खुद देख लिया, और सिद्धू और कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग, अब देखिए ये जो खबर है ये भारत की खबर नहीं रही, ये खबर दो देशों की खबर बन चुकी है और दोनों देशों में इस खबर को लेकर जमकर बहस शुरू हो गई है। भारत में तो हो ही गई है लेकिन पाकिस्तान में भी अब बहस शुरू हो गई है। भारत के लोग नाराज हैं, आहत हैं और गुस्से में हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हैं। कल हमने आपको यह दिखाया था कि कैसे इन नारों को पाकिस्तान के मीडिया ने हाथों हाथ लिया है। वहां के मीडिया में नवजोत सिद्धू की रैली में लगा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा छाया हुआ है। और आज हमने पाकिस्तान के कुछ लोगों से, वहां की जनता से बात की है। पाकिस्तान के लोग भारत में ऐसे नारे सुनकर बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं और इसे गर्व की बात मान रहे हैं। इन लोगों की बातें सुनकर आज आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन अपना नजरिया साफ करने के लिए आपको ये बातें भी सुननी चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि जब भारत का कोई नेता भारत की टीम की बजाय पाकिस्तान की टीम में खेलता है तो फिर जनता को, यहां की जनता को कितना दुख होता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग कितनी खुशियां मनाते हैं। इंडिया में जो जलसे सिद्धू विधायक के जलसे में जो नारे लगे हैं, होने चाहिए, इस तरह के नारे लगने चाहिए, दोनों मुल्कों की दोस्ती आपस में तलबात करा रहे हैं, होने चाहिए इस तरह। इंडिया में जो सिद्धू भाई के जलसे में नारे लगाए गए हैं वो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। हम खुश हैं इस चीज़ में कि पाकिस्तान और भारत की आपस में दोस्ती हो, और हम खुश हैं इस चीज़ में। ये जो भारत में नारे लगे हैं सिद्धू भाई के जलसे में, ये पाकिस्तान के हक में अच्छे लग गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए और आगे के लिए ये अच्छा है कि दोनों मुल्क आपस में तालुकात बेहतर बनाए, आगे के लिए बेहतरी होगी। पाकिस्तान के लोग तो खुश हैं, दोस्ती की बात भी कर रहे हैं और सिद्धू जी को सिद्धू भाई कहकर पुकार रहे हैं, और ये सही बात है। नवजोत सिंह सिद्धू अब पाकिस्तान के सिद्धू भाई हैं। हम भी ये नहीं कह रहे कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन भारत के जो इश्यूज़ हैं, भारत के जो मुद्दे हैं, भारत के जो सरोकार हैं, उनका क्या, आतंकवाद का क्या, कश्मीर का क्या? कांग्रेस की चुप्पी पर अब कांग्रेस के जो राजनीतिक दुश्मन हैं यानी बीजेपी, उनको भी एक मौका मिल गया है। आज बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि मीडिया की आवाज़ दबाना कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। बीजेपी अब इस पर क्या कह रही है ये भी सुनिए। तो कांग्रेस वालों को जवाब देना चाहिए, आप कांग्रेस वालों को पूछिए उनका, कांग्रेस वालों से और उनके कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान से बहुत प्रेम है तो वो बताना चाहिए। वो वीडियो हम सब ने देखा है, वो वीडियो जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू के ही रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और कांग्रेस पार्टी उस पर चुप रहती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तासीर को, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को दिखाता है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
इस डेमोक्रेसी में मीडिया कोतवाल का काम करती है। इस लोकतंत्र में मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जिसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और जब मीडिया सच्चाई से अपना काम करके सत्य को प्रदर्शित करती है, उस मीडिया के ऊपर कलंक उछालना, कालिक फेंकना, ये कांग्रेस की आदत पड़ चुकी है। तो ये तो ठीक नहीं है ना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमको अपने देश के हित में काम करना चाहिए। हमारे दुश्मनों के साथ हम ताकत से निपटें, हमारे दोस्तों को हम गले लगाएं, उसके लिए हमें जो कदम उठाने हैं वो उठाएं, और हमारे अपने आपसी राजनीतिक मतभेदों को देश के लिए एक लायबिलिटी ना बना दें। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा है, कांग्रेस जो है पूरे देश में है कहीं नहीं, बची कहीं नहीं, और ऐसी परिस्थिति में उनकी स्वाभाविक है ये हताशा, निराशा, और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की बातें को करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही है। भारत में ऐसे होता है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि पाकिस्तान ये हमेशा भारत के खिलाफ रहा है। भारत के खिलाफ बहुत लोगों की जो लोग शहीद हुए हैं, जो अतिरेकी के हल्ले होते हैं, उसमें हमेशा पाकिस्तान का हाथ रहा है। जब तक ये बंद नहीं होता तब तक उनके सामने हम लोग मैत्री का हाथ नहीं बढ़ा सकते, और सिद्धू जी को भी ये बात समझनी चाहिए। वैसे बिना सबूत और आधार के आरोप लगाना कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं की बहुत पुरानी आदत रही है, और कैसे ये आदत उनकी रही है इसके भी सबूत आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। आपको ये बात समझनी होगी और कांग्रेस को ये समझनी होगी कि अगर कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है तो जी न्यूज भी देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल है। भारत का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल है जी न्यूज, देश का सबसे पुराना, सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा चैनल है। पूरी दुनिया में हमारे करोड़ों दर्शक हैं, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जी मीडिया के चैनल्स देखे जाते हैं, और ये करोड़ों लोग हम पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के प्रवक्ता जी न्यूज के मंच पर आकर, हमारे स्टूडियोज में आकर अक्सर बदसलूकी करते रहे हैं। जी न्यूज पर अलग अलग कार्यक्रमों में कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने कई बार जी न्यूज पर निराधार आरोप लगाए हैं, और आपने देखा होगा आजकल न्यूज चैनल्स पर बहस कराने का बहुत फैशन है। हर न्यूज चैनल पर बहस के कार्यक्रम होते हैं, और उन बहस के दौरान जो प्रवक्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, वो बहुत बार नाराज होते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रहती है। जब उनसे आरोपों पर जवाब मांगा जाता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। कई मौके तो हमारे स्टूडियो में ऐसे भी आए जब कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगाने के बाद बहस छोड़कर स्टूडियो से ही चले गए, क्योंकि वो आरोपों का जवाब नहीं देना चाहते थे। बहुत बार ऐसा भी होता है जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आप इस अमुक विषय पर बहस मत कीजिए, इस अमुक विषय पर आप कार्यक्रम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इस पर कार्यक्रम करेंगे तो हम नहीं आएंगे, हम किसी आरोप का जवाब नहीं देंगे। यानी जब आप उनके मनपसंद विषय पर कार्यक्रम करेंगे, जब आप उनके विरोधियों को हिट करने के लिए कार्यक्रम करेंगे, तब कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में बहुत खुशी से आते हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगा है, गांधी परिवार पर कोई आरोप लगा है, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अगर हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आने से इनकार कर देते हैं। और यह बात आज मैं आप सबके सामने खुलकर कह रहा हूं। हम नहीं जानते कि बाकी के मीडिया हाउस ये कहेंगे या नहीं, बाकी संपादक ये बात कहेंगे या नहीं, लेकिन यह बात सच है कि जिस दिन गांधी परिवार को लेकर कोई कार्यक्रम हो जाए, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कोई कार्यक्रम हो जाए, या कोई ऐसा कार्यक्रम हो जाए जिस पर कोई ऐसी बहस हो जाए जिस पर कांग्रेस पार्टी को कड़े सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, उन कार्यक्रमों में कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल नहीं होते, और वो हमसे ये कहते हैं कि आप या तो कार्यक्रम मत कीजिए, और अगर करेंगे तो हमारे नेता उसमें शामिल नहीं होंगे। और इसी परंपरा को हम तोड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस की हिट एंड रन वाली राजनीति है, और इसके कुछ सबूत आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इससे पहले जब जब मीडिया, जी मीडिया ने कभी ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो इन्हें अच्छे नहीं लगे, तब कांग्रेस के प्रवक्ताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है, अब आप खुद देखिए। राहुल गांधी और कांग्रेस है, ये देश के बच्चों के बच्चे जानते हैं, और पाशाचारी अधिकारी बनाकर आप देशभक्त हैं। अरे गलत कहा जाए, देखिए अमन जी आपके आलोक शर्मा, अभी आपने कुछ शब्द कहे,
2019 के बाद कितने जेल में जाएंगे देशद्रोह के आरोप में? आप थ्रेट कर रहे हैं क्या हमको? आप धमका रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आप तो कांग्रेस, आप तो पार्टी आने से पहले, आप तो सरकार आने से पहले धमका रहे हैं। देखिए सचिन भाई, आप व्यक्ति बहुत सज्जन हैं, पर दिक्कत ये है कि जी टीवी के एडिटोरियल लाइन भाजपा की लाइन है। इसमें भाजपा कहां से आ गया? मैंने एक सवाल पूछा सिद्धू कांग्रेस के मंत्री सर, आपने कहा ना कि आपने जी टीवी के एडिटोरियल लाइन पे, अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। बोलेंगे क्या चल रहा है जी न्यूज पर, उसको पढ़ ले सर। आप, मैं आपको बताऊं, भाजपा का पक्ष रखते रखते लोग बावले हो गए। मैं ना रोज सुनता हूं आप लोग जी मीडिया पर सवाल उठाते हैं। ऑडियो बंद करिए इनका। आप जानते हैं ZMCL क्या है? ZMCL 100 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। ZMCL 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। ZMCL के 100 से ज्यादा चैनल हैं। कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोल जाएगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। जी मीडिया के खिलाफ, जी न्यूज़ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। अहंकार है तो आप चलाइए अपना शो, एजेंडा चलाइए आप अपना। हमारे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, अहंकार है, आप पहले भी कई बार अहंकार है आपकी। मैं खुद मेरा शो चला सकता हूँ, मुझे किसी बीजेपी के प्रवक्ता की भी जरूरत नहीं, किसी और प्रवक्ता की भी जरूरत नहीं। आलोक जी, पूरा चैनल भाजपा चलाती है आपका, आप शो कहाँ से चलाएंगे? अगर आप, आपकी गलत फहमी आप अपने पास रखें, बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हैं सर। नमस्कार। 1 महीने हो गए, पता न क्या है, कितनी मजबूरियां हैं चैनलों को कि उस पे हम लोग जिक्र कम कर रहे हैं, जबकि रोज वहां बुरी हालत, बदतर हालत। अखिलेश जी, मैं आपको हम चाहते हैं कि मीडिया एक दबाव बनावे, हम उस पे आ रहे हैं। आप हमें डेढ़ मिनट आप हमें दें, मैं आपकी बात करूंगा। नहीं नहीं अखिलेश जी, आप हमें क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश को कश्मीर के बीच में क्यों? मुझे बड़ी हैरानी होती है सर, हम उसी चुनाव हार जाने के बाद इतने बौखला गए क्या कि आप उत्तर प्रदेश की तुलना कश्मीर से कर रहे हैं? कल को आप कह देंगे तो पाकिस्तान हो गया उत्तर प्रदेश। 1 मिनट रूबिका जी, आप बीच में मत बोला कीजिए, आप भाजपा की प्रवक्ता मत बनिए। क्यों? शांति से सुनिए, भाजपा की प्रवक्ता हो गई, सवाल भाजपा से। आपका काम हो गया, बीजेपी को कैसे बचाया जाए? आज भी आप महबूबा मुफ्ती का नाम चला रही है, बीजेपी का नाम चला रही है। शांति से सुनिए, कोई बात नहीं, आप शांति से बात सुनिए। हमारे आप किसी की बात नहीं सुनने देती। यहाँ पर डिफेंस वाले सिन्हा जी बैठे हैं, वो भी भाजपा का मुखौटा पहन कर बैठे। आज उनके चेहरे पर शिकन नहीं है, आज उनके गले में आवाज नहीं आ रही। हिंदुस्तान की जनता ने 70 वर्षों तक हमारे ऊपर भरोसा ऐसे ही नहीं किया, जी न्यूज और उसके बाद धड़ाम से 44 पर ऐसे ही नहीं ला दिया आपको। तो आपने देखा कि अगर आप कोई मुश्किल सवाल कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कर दें, कोई ऐसी बात कह दें जो उनकी लाइन को सूट नहीं करती, तो वो सीधा उस चैनल पर ही हमला बोल देते हैं और ये कहते हैं कि आप निष्पक्ष नहीं हैं। सीधा हमला चैनल की निष्पक्षता पर होता है, सीधा हमला चैनल के एंकर पर होता है। आपने सब कुछ देख लिया, हमने बहुत दिन यह बर्दाश्त किया और चुप रहे, बाकी के चैनल भी इसे सहते रहते हैं, वो तो आज भी सह रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की इस बदसलूकी की वजह से खुद मैंने अक्टूबर में, इसी साल अक्टूबर में, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी और जी मीडिया, उसमें जी मीडिया के जो सारे संपादक हैं सबके हस्ताक्षर थे। जी मीडिया पहला ऐसा चैनल है, हमने कभी आपसे ये बात कही नहीं, आज आपको बता रहे हैं, पहला ऐसा चैनल है, न्यूज चैनल, जिसने राहुल गांधी को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में मैंने उनके प्रवक्ताओं की इस हिट एंड रन वाली नीति पर आपत्ति जताई और उनसे कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आप अपने प्रवक्ताओं से बात कीजिए। यह चिट्ठी इस वक्त मेरे हाथ में है और आज हम आपको इसके, इसमें क्या लिखा है मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा। अभी तक हमने यह चिट्ठी कभी देश के सामने रखी नहीं, सिर्फ राहुल जी ने इस चिट्ठी को पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं। और इसमें हमने लिखा था, राहुल जी, वी स्पीक फॉर नो वन बट दिस नेशन, we believe nationalism is a virtue and not a political tag which unfortunately your party has failed to realize. Your party's interests would be better served if you advise your party spokespersons to fortify their arguments on TV debates with facts rather than questioning the credibility of the journalist or the channel. We encourage diverse opinions on our platform and would be happy to host your spokespersons in the future. ये हमने राहुल गांधी को लिखा और उनको बताया कि आप अपने पार्टी के स्पोक्सपर्सन से बात कीजिए और उनको बताइए कि कैसे न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में अपना पक्ष रखना है। हम पहले ऐसे चैनल हैं जिन्होंने ये मुद्दा उनके सामने उठाया और बहुत इज्जत के साथ, रिस्पेक्टफुली ये चिट्ठी हमने उनको लिखी। ये अलग बात है कि उनका जवाब इस चिट्ठी को लेकर कभी नहीं आया, हम नहीं जानते उन्होंने अपने प्रवक्ताओं से बात की या नहीं की, लेकिन ये चिट्ठी हमने उनको लिखी थी। अक्टूबर में ये चिट्ठी लिखी गई और दिसंबर में अब जाकर कांग्रेस पार्टी ने जो व्यवहार किया अब आप देख सकते हैं। इसलिए
ये बात आपको बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसकी एक पृष्ठभूमि है, उसका एक बैकग्राउंड है, और उस बैकग्राउंड में ये सारी बहस है, और उस बैकग्राउंड में ये एक चिट्ठी है जो हमने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को लिखी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने जो सुझाव उन्हें दिए उन्होंने वो सुझाव मानने का तो सवाल ही नहीं है, ये लगता है ये सारे सुझाव उन्हें बुरे लग गए। जी न्यूज़ का सत्याग्रह अभी रुकेगा नहीं, हमारी ये मुहिम जारी रहेगी, हर रोज़ हम आपके पास आएंगे और हम लगातार कांग्रेस पार्टी से ये बात कर रहे हैं, लगातार उनको ये कह रहे हैं कि आप या तो माफ़ी मांगें, आप खेद प्रकट करें, आप बताएं कि आपसे गलती हुई है, आपने सच्चे वीडियो को झूठा वीडियो कहा है, और उस झूठ के आधार पर आपने जी को कहा कि आप हम आपको नानी याद दिला देंगे, इस पर आपको अपना खेद जताना ही होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आज तीसरा दिन है। हमारे पास दो विकल्प थे, या तो हम चुप रहते या फिर अपनी आवाज उठाते। बाकी लोग शायद अभी तक चुप हैं, लेकिन हमने अपनी आवाज उठाने का फैसला किया, और हमने ये फैसला किया कि इस बार इस परंपरा को यहीं रोकना ही होगा। देश के बाकी के जो मीडिया है, बाकी के जो पत्रकार हैं, संपादक हैं, उन्हें भी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन उनके साथ भी यही व्यवहार या तो हो रहा होगा या फिर आगे भविष्य में होगा। फेक न्यूज़ का सहारा लेकर सच को दबाया नहीं जा सकता। ये बात सच है कि फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी समस्या है, फेक न्यूज़ हर तरफ से आ रहा है और बहुत सारे लोग देश में फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। लेकिन दूसरी समस्या, दूसरी चुनौती ये भी है कि जब कोई खबर किसी पार्टी या नेता को सूट नहीं करेगी तो वो बहुत कन्वीनियंटली उसी खबर को फेक न्यूज़ कह देगा, फेक न्यूज़ की श्रेणी में डाल देगा। पूरे देश को और देश के मीडिया को इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, देश के लोगों को भी इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन होगा, और कल तक अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब नहीं आया तो फिर हमें भी अपनी तरफ से वही रणनीति अपनानी होगी जो कांग्रेस पार्टी अभी तक बाकियों के साथ अपनाती आई है।